हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी कल तक हमने आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है सेंटेंसेस ऑफ सेंटेंसेस, उसमें अभी तक कल हमने आपको बताया बाय यूजिंग इन्फिनिटिव और बाय यूजिंग नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इसके बाद अब हम आज आपको बताने जा रहे हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड। नाउन और जीरंड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके सबसे पहले क्या होगा, हमें क्या चेक करना है कि हमारे सेंटेंस में प्रीपोजिशन का यूज होगा, किसके पहले होगा, नाउन या जीरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग। तो सेंटेंस जो भी हम लिखते हैं उसमें हम चेक करते हैं कि हमारा क्या सेंटेंस बनेगा। अब आप देखिए सेंटेंस आपको देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल देखिए, he topped the list of successful students. देखिए ये सेंटेंस में लिखा हुआ है ही इज हैंडीकैप्ड, वो कैसा है, विकलांग है। ही इज हैंडीकैप्ड, हैंडीकैप माने विकलांग है। ही टॉप द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स, उसने सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में टॉप किया। क्या होते हुए दूसरे सफल लिस्ट में बच्चों की सफल बच्चों की लिस्ट में टॉप किया, हैंडीकैप्ड होते हुए भी, हैंडीकैप्ड होते हुए भी यानी होने के बावजूद। तो अब हमको ये देखना है कि जैसे ये मेरा यहाँ से पार्टिसिपेट का बनेगा, क्या हमने आपको भी बताया था जो हमारा पार्टिसिपेट वाला पहले वाला बना था, पहले वाले पार्टिसिपेट में आपको बताया था कि हमारी ये जो आर एम वॉज वर्ब के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आई एन टी लगाते हैं, और जब भी हमारा इज है तो इसका मतलब बी होता है और बी में आई एन जी लग जाता है, क्या हो जाएगा, बी बताया था। तो जो इसी जगह पर बी हो जाएगा, ठीक। अब हम इसका किससे करेंगे, बींग ये एग्जाम्पल देखो आप क्या है हमारा बींग, उसके बाद क्या उठाएंगे, कॉमा मोस्ट इंपॉर्टेंट बीइंग हैंडीकैप्ड। अब सब्जेक्ट कर लेंगे, सब्जेक्ट क्या है, बीइंग हैंडीकैप्ड ही टॉप्ड द लिस्ट ऑफ सक्सेसफुल कैंडिडेट्स। देखिए एक बार समझिएगा ध्यान से, ये मैंने जो बीइंग वाला बनाया है ये मेरा पार्टिसिपेंट से बना है, केवल पार्टिसिपेंट से, और अब जो हम बनाने जा रहे हैं वो मेरा नाउन या जीरंड से पहले प्रीपोजिशन के प्रयोग से बन रहा है। अब ये हमारा ये तो मेरा केवल सिंपल था, अगर हमसे केवल सिंपल पूछा जाएगा तो मेरा ये सेंटेंस गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन अगर हम इससे बना रहे हैं बाय यूजिंग प्रीपोजिशन बिफोर नाउन और जीरंड, तो मेरा ये इससे बनेगा, किससे बन जाएगा, याद देखिए इन स्पाइट ऑफ बीइंग लास्ट में इन स्पाइट ऑफ बीइंग हैंडीकैप्ड, जो मेरा बना था वो सिंपल का बना था, समझे, सिंपल का अर्थ क्योंकि सिंपल में इज आर एम वाज की जगह पर बीइंग का प्रयोग था। हमको इस बात का ध्यान रखना है कि मेरा नाउन या जीरंड से पहले किसका प्रयोग होना है, किसका होना है, प्रीपोजिशन का। इन स्पाइट ऑफ क्या है मेरा, प्रीपोजिशन, इन स्पाइट ऑफ प्रीपोजिशन है, और बीइंग मेरा क्या हो गया, क्या होगा, दोनों में से चूज करिए, दोनों में से क्या आएगा, नाउन कैसे होगा, जीरंड,
जीरंड, जीरंड का मतलब क्या है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना, लेकिन उसका अर्थ जब निकलता है तो अर्थ निकलने में ना अक्षर जरूर जुड़े, जैसे नाचना, खेलना, कूदना, ठीक है, जो भी ना अक्षर जुड़ेगा, धूम्रपान करना ना जुड़ेगा, वो हमारा जीरंड कह देता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, हैंडीकैप्ड यानी विकलांग होने होने के बावजूद उसने सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में, विकलांग होने के बावजूद उसने सफल अभ्यर्थियों की लिस्ट में टॉप किया। आपकी इस वाली वैरायटी में बहुत तरीके के सेंटेंस आते हैं, कई तरीके के आते हैं आपको, क्योंकि इसमें ये तो हमारा नाउन जीरण का हो गया, कोई मेरा हुआ तो केवल नाउन का होगा, जैसे ही सा एन एलिफेंट, ही सा स्पेस दिख रहा है नीचे दिख रहा है। दूसरा सेंटेंस देखिए, मोहित सा एन एलिफेंट, मोहित सा एन एलिफेंट ही रैन अवे। अब देखिए मोहित ने किसको देखा, क्या हुआ वो, मुझे ध्यान रखना है नाउन या जीरंड से पहले, अब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि हम कहां से लगाएं, इससे आप निकालिए क्या निकलेगी, सीम से। अब सीम तो हमारा निकल गया, सीम मेरा क्या हो गया, जीरंड। अब हमको उससे पहले क्या लगाना है, अब प्रीपोजिशन में लगाना है, अब बताइए ऑन लगाया, हाँ ऑन सीइंग एन एलिफेंट, ऑन सीइंग एन एलिफेंट कॉमा मोहित रैन अवे, मोहित रैन अवे, बात समझ में आई। अब इसमें हमने ऑन लगा दिया, ऑन का मतलब क्या है, एक हाथी देखते ही मोहित भाग गया, ऑन सी जैसे उसने देखा वैसे मोहित भाग गया। तो आपको ये ऑन प्रीपोजिशन है, आपको ये मान के चलिए जीरंड या नाउन से पहले प्रीपोजिशन का लगाना कंपल्सरी है, ठीक है। अब आप इन दोनों सेंटेंसों को कॉपी करिए जल्दी से, बहुत जल्दी से, उसके बाद हम आगे और आपको बता रहे हैं, जल्दी करिए कॉपी। ऐसा करते देखिए, एक सेंटेंस देखा पहले नोट करिए, सेंटेंस नोट करिए, देखिए हम बोल रहे हैं आपको जापान का कॉपी दे रहे हैं, देखिए देखिए he bought a book he gave 50 rupees। देखिए उसने एक किताब खरीदी और क्या दिया, 50 रुपए दिए, तो 50 रुपए किस लिए दिए, किताब खरीदने के लिए, किताब की कीमत है। और शायद अभी तक आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कीमत में किसका प्रयोग होता है, हार का, तो क्या लिखोगे, ही बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज, ही बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज, ही बॉट ए बुक फॉर 50 रुपीज, बुक फॉर 50 रुपीज, हो गया। अब आप एक बात को ये समझिए, ये एग्जाम्पल देखिए थार लग किया गया, अब इससे दूसरे सेंटेंस से केवल थार लिया गया है ना, दूसरे सेंटेंस में तो क्योंकि कीमत दी हुई है, कीमत के अकॉर्डिंग केवल थार का प्रयोग हुआ, इसमें मैंने ऑन सीन लगाया, जीरण से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग, इनमें इस इंस्पायर्ड ऑफ लगाया, ये प्रीपोजिशन का प्रयोग है जीरण से पहले, ऐसे इसमें कई वैरायटी के सेंटेंस है, आप इसको कॉपी कर लीजिए जल्दी से, कॉपी करिए फिर आपको नेक्स्ट समझा रहे हैं।
हाँ लिखे आगे का सेंटेंस लिखे, द सन रोज हिज जर्नी वॉज नॉट एंडेड, हाँ वॉज नॉट एंडेड। अब देखिए इसमें प्रीपोजिशन का यूज होना है, द सन रोज सूरज निकल आया उसकी यात्रा समाप्त तो नहीं होगी, उसकी यात्रा समाप्त नहीं होगी। तो अब देखिए समझिए पहले इसको, सूरज निकल आया और उसकी यात्रा समाप्त नहीं हुई, क्या लगेगा, यात्रा समाप्त होने से पहले, यात्रा समाप्त होने से पहले क्या हुआ, सूरज निकल आया, हाँ क्या लगा होगी, द सन रोज आगे बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, ये एंड मेरा क्या है, समाप्ति है, नाउन है ये, द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, द सन रोज बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी, बिफोर द एंड ऑफ द जर्नी। आगे और समझिए, हर हस्बैंड डाइड, हर हस्बैंड डाइड, इसको बोल बताते हैं, हर हस्बैंड डाइड ब्लैक बोर्ड में बता दिया वाला सेंटेंस, हर हस्बैंड डाइड